बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक मजेदार सी कविता पढ़ने वाले हैं, स्नेह शपथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, स्नेह शपथ कविता, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर दो बच्चे अपने पापा पिताजी के साथ जा रहे हैं और यहाँ रोड पर जा रहे हैं और यहाँ वो देखते हैं कि एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर ये व्यक्ति यानी कि पिताजी जो है वो इस गिरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं। तो लड़का पूछता है, पिताजी आपने उन्हें क्यों उठाया? तो पिताजी कहते हैं, हमें असहाय व्यक्ति की हमेशा सहायता करनी चाहिए, जो व्यक्ति असहाय होते हैं। तो दूसरा बेटा बोलता है, मगर उसने तो आपको चोट पहुंचाई थी। तो पिताजी कहते हैं, भेदभाव इंसान के अवगुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए मदद करते वक्त भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कविता का मूल तत्व है, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेना चाहिए। जैसी परिस्थिति है, अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपको खुद को उस परिस्थिति में डालना आना चाहिए, उस परिस्थिति में से निकलना भी आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय भी, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जुबान से हो ना भूल। तो बच्चों, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका शत्रु हो, चाहे आपका जानकार हो, चाहे आपसे परिचय भी, मतलब जो आपको ना जानता हो, तुम जिसे समझते रहे बड़ा, चाहे या फिर जिसे आप दीन मानते रहे, कभी किसी कारण से उसके यश पर अगर आपको धूल, मतलब अगर आपको लगता है कि उसका नाम बदनाम हो रहा है, वो कोई गलती कर रहा है या वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जीवा से ना हो भूल। तो उससे स्ट्रिक्टली सख्त होके बोलना कि तेरे जीव से, तेरी जीवा से कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत शब्द, कोई भी गलत चीज नहीं निकलनी चाहिए। मत कहो कि ऐसा ही था, मत कहो कि सौ गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया, ये पकड़ी उसके ने गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने अरे दे कर देखो। मतलब जब आपको पता है कि सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको ये मत कहो कि ये ऐसा ही था, इसने ये गलती पहले भी की है या ये गलती ये करता जा रहा है, और ना ये बात कहो कि इसकी गलती के 100 गवाह हैं, उसे भी ये बात पता है, इसे भी ये बात पता है, ये गलती इसने इस व्यक्ति के सामने भी की है, उस व्यक्ति के सामने भी की है। ये चीजें मत करो, कभी भी उस व्यक्ति की गलती के लिए गवाह मत खड़ा करो, कभी भी उस व्यक्ति को गलत मत बोलो। अगर उसने कोई गलत राह पकड़ ली है या वो सचमुच फिसल गया है, सचमुच कुछ गलत कर रहा है, तो सख्त बात यानी कि गलत कटु शब्दों से नहीं, जरा स्नेह से काम लेके देखो, प्यार से उसे समझाओ, तो अपने अंदर का नह उसे जरा देकर तो देखो, अपने दिल से उसे प्यार करके तो देखो। अगर तुम उसे प्यार से कोई चीज समझाओगे, तो अगर जो व्यक्ति गलत राह पर जा रहा है, वो भी सही कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भास सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठाए पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं, देखने से प्यार भरी आंखें। तो बच्चों, कितनी भी गहरी गलती हो, कितना भी गहरा गर्त हो, हर जगह प्यार जा सकता, कितनी ही गहरी दुश्मनी हो, नफरत हो, प्यार हर जगह जा सकता है, प्यार से इंसान कुछ भी करा सकता है। भ्रष्ट जमाना है, वहाँ भी प्यार जा सकता है, भ्रष्ट जमाने में भी प्यार भा सकता है। प्यार स्नेह एक ऐसी चीज है जो गलत से गलत व्यक्ति को भी सही राह पर चलने पर मजबूर कर देती है, गलत कार्य छोड़ने पर मजबूर कर देती है।
जो इंसान गिरे हुए व्यक्ति को उठा सकता है उससे प्यारा कोई व्यक्ति नहीं, उससे प्यारा कोई कार्य नहीं। और दे प्यार उठाना पाए जिसे, उससे गहरा कोई पतन नहीं। और अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार ही ना दे सके, आपसे दो मिनट प्यार से बातें ना कर सके, हमेशा उसकी जबान एक जहरीले सांप की तरह हो, मतलब अगर वो कुछ आपसे हमेशा गलत ही शब्दों का इस्तेमाल करे, आपसे हमेशा लड़ झगड़ कर ही बात करे, तो उससे बड़ा कोई पतन नहीं होता। दुस्साहस पीले होते हैं हर एक भ्रष्टा के कपोल, आंसू से गीले होते हैं जो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नए जरा देकर देखो। तो बच्चों, प्यार से हर कठोर व्यक्ति को दिल पिघाल सकता है, प्यार से हर कदम पर आपको प्यार से काम लेना चाहिए, स्नेह से काम लेना चाहिए। अपने दिल का प्यार सामने वाले को देके तो देखो कि सामने वाला कैसे गलत परिस्थितियों को, गलत चीजों को छोड़कर कैसे सही राह पर आता है। तुमको शब्दों से बड़ा प्यार, तुमको शब्दों की आदत है शपथ है गलत कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है, ली शपथ किसी ने और किसी की आफत पास सरक गई, तुमको शब्दों से प्यार मगर तुम पर शब्दे छाई छाई, तू तो तुम शपथ पर चढ़ता हूँ तुम इसे उतारो स्ने, मैं तुम पर इसको मरता हूँ तुम इसे बिखेरोगे गे, है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम उसे नंगे की, जो भी स्नेह की मांग मांग मर गया उस भिकमंगे की, है सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का स्नेह अरे देकर देखो। तो इसमें कहते हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ शपथ से प्यार है, शपथ की आदत है शपथ गलत है शपथ या शपथ कठिन है, हर शपथ एक सिर्फ आफत है, एक विपत्ति है, किसी ने शपथ ली और किसी की आफत पास सरक आई, मतलब हर चीज में कसमें खाना, हर चीज में कसमें देना सही नहीं होता। किसी को कसमों से शब्दों से प्यार होता है और किसी को आदत होती है कि हर परिस्थिति में उसको सिर्फ शपथ खानी है, शपथ लेनी है, लेकिन ये गलत है और ये कठिन है। हर किसी को शपथ हमेशा आफत ही होती है, हमेशा हर परिस्थिति में आपको कसमें खानी, शपथ खानी जरूरी नहीं होती है। उस नंगे की तुम्हें शपथ है जो प्यार की भीख मांग मांग कर तुमसे मर गया कि उस भिकमंगे की, है सख्त बात से नहीं स्नेह से जरा का, जो भिकमंगा मर गया उस भिकमंगे को, जो प्यार की मांग कर करके मर गया, जो तुमसे सिर्फ प्यार की भूख थी, जिसको जो भीख मांगता था कि तुम उसे स्नेह से बात करो, प्यार दिखाओ तुम उसे स्नेह दे सको, तुम जरा स्नेह से काम लेकर तो देखो, अपना अंतर अपना नेह अपना प्यार उसे देके तो देखो, तुम्हें अंतर अपने आप दिखाई देगा। ये कविता लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ करुणा कर, मतलब करुणा करने वाला, जतन मतलब कोशिश या फिर प्रयास, आफत मतलब विपत्ति, घे मतलब ग्रह या फिर घर, अंतर मतलब हृदय, पतन मतलब नष्ट हो जाना, यश मतलब कीर्ति सम्मान, विहीन मतलब बिना रहित, गवाह मतलब साक्षी या दृश्य करता, स्नेह मतलब प्यार या फिर प्रेम, उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का आपको सही सही उच्चारण करने का प्रयास करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना सीखे। पहला शब्द है सख्त, दुस्साहस, परिचित शब्दों, भ्रष्ट, करुणाकर, धृष्टता। आखिरी शब्द है स्नेह। तो चलिए बच्चों, जो कविता हमने पढ़ी अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस कविता का अभ्यास कार्य शुरू कीजिए।
अभ्यास कार्य जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसका सही सही उत्तर बोल कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, प्रस्तुत कविता में किस पर धूल उड़ने की बात कही है? तो बच्चों, जो कविता आपने पढ़ी है उसमें परिचित और अपरिचित व्यक्तियों पर धूल उड़ने की बात कही गई है। ख, मित्र तथा शत्रु के अनादर होने पर क्या करना चाहिए? तो बच्चों, जब किसी भी व्यक्ति का अनादर होता है, चाहे वो आपका मित्र है चाहे वो आपका शत्रु है, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा ही था, वो व्यक्ति ऐसा ही था, इसके तो काम ही ऐसे हैं। आपको इन शब्दों का प्रयोग या ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें नहीं कहनी चाहिए। ग, धृष्ट व्यक्ति कब समर्पण कर देता है? वेरी गुड। जब धृष्ट व्यक्ति का पतन हो जाता है, जब कोई उसके आंसू पोंछता है, उसको सहारा देता है, उसको स्नेह देता है, तो धृष्ट व्यक्ति समर्पण कर देता है। घ, कविता में कवि ने किसकी शपथ का हवाला दिया है? वेरी गुड। तो कविता में कवि ने दीनहीन और करुणा कर की शपथ का हवाला दिया है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को पढ़कर आपको सही सही उत्तर पाठ की कविता के आधार पर लिख कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। का, प्रेम का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? तो बच्चों, प्रेम का प्रभाव ज्यादातर धृष्ट व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे प्रेम दे सके, कोई उससे प्रेम से बात करे, कोई भी उसे शत्रु या फिर दीन या फिर दया भाव से ना देखे बल्कि उसको प्रेम भाव से देखे। ग, किसी व्यक्ति से गलती हो जाने पर उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें उसके साथ नम्रता और स्नेह के साथ व्यवहार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलती कर देता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसके साथ नम्रता से बात करें और स्नेह से व्यवहार कर सके। ग, कवि ने प्यार की असीमित शक्ति को कैसे सिद्ध किया है? तो बच्चों, कवि ने प्यार की असीमित शक्ति को ऐसे सिद्ध किया है, वो कहते हैं कि भले ये जमाना कितना गर्त हो, कितना ही गलत हो, कितना ही भ्रष्ट हो, लोग तुम्हें गलत बोलेंगे, लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे, लोग तुम्हें यही चाहेंगे कि तुम हमेशा गलत बनो, हमेशा तुम्हें गलती होने पर तुम पर चिल्लाएंगे, तुम्हें गलत बनाएंगे, ये जमाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते गर्त हो जाएंगे, लेकिन उसमें जिसने प्यार से हर परिस्थिति को संभाल लिया, जिसने प्यार के साथ उस परिस्थिति में उसका साथ दिया, उसको स्नेह दिया, तो वो किसी भी तरह से किसी भी उससे जीत जाएगा, किसी भी परिस्थिति में जीत जाएगा, उसे कोई उसका पतन नहीं कर सकता। हाँ, कविता में शपथ को हर हर घर बिखरने के लिए क्यों कहा गया है? कविता में शपथ को हर घर बिखेरने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि हर घर में प्रत्येक व्यक्ति स्नेह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति घृणा से दूर हो सके, ताकि हर एक घर में प्रेम ही प्रेम हो और घृणा दृष्टता दुष्टता सब दूर हो जाए, सब खत्म होती जाए। अगला प्रश्न है, करुणाकार की शपथ धारण करने के लिए कवि क्यों कह रहा है? कवि करुणाकार की शपथ धारण करने के लिए कवि इसलिए कह रहे हैं
ताकि कोई अनुचित या झूठी शपथ से किसी के ऊपर कोई आफत ना आ जाए, इसीलिए कभी करुणा कर की शपथ धारण करने के लिए कह रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। आपको इन पंक्तियों को अपनी अपनी नोटबुक्स या बुक्स में कविता को दोबारा पढ़कर दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर इन पंक्तियों को पूरा करना है अपनी अपनी नोटबुक्स में। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके सही शब्दों के साथ आपको उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सख्त मतलब कठोर, वेरी गुड। घ, घे, घे क्या होता है? ग्रह, तो हम घे को ग्रह से मिलाएंगे। ग, नेह, नेह मतलब स्नेह, प्रेम, प्यार, तो हम नेह को प्रेम से मिलाएंगे। घ, मित्र, मित्र कौन होते हैं? दोस्त, मित्र मतलब दोस्त, तो हम मित्र को दोस्त से मिलाएंगे। ळ, शत्रु, शत्रु कौन होते हैं? दुश्मन, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, तो हम शत्रु को दुश्मन से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनके चार चार विकल्प दे रखे हैं। आपको प्रश्नों को पढ़ के उन चारों विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है और सही विकल्प को चुनने के बाद के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, कविता में सबसे प्यारा जतन किसे कहा गया है? धृष्टता को, गिरे हुए को उठाने को, गर्त में गिराने को, या इनमें से कोई नहीं, किसे कहा गया है? वेरी गुड, गिरे हुए को उठाने को। क, कवि के द्वारा शपथ को किस प्रकार उतारने के लिए कहा गया है? प्रेम पूर्वक से, कठोरता से, कायरता से, या फिर दृढ़ता से, किससे शपथ को उतारने के लिए कहा गया है? प्रेम पूर्वक, वेरी गुड। ग, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हरिवंश राय बच्चन जी, भवानी प्रसाद मिश्र और मोहनलाल वर्मा, कौन है? वेरी गुड, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है घ, हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? दुश्मनों की, मित्र की, या फिर दोनों की, अपने दुश्मनों की भी और अपने मित्रों की भी, या फिर किसी की भी नहीं, किसकी? वेरी गुड, हमें दोनों की सहायता करनी चाहिए, चाहे कोई आपका दुश्मन है या कोई आपका मित्र है, हमें दोनों की सहायता करनी चाहिए। ळ, कविता में प्रयुक्त शब्द आफत से क्या तात्पर्य है? तो कविता में जो आफत शब्द का इस्तेमाल करा गया है उसका क्या मतलब है? संपत्ति, विपत्ति, सफलता, या फिर कलंकित? वेरी गुड, आफत से तात्पर्य है विपत्ति। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, प्रेम रक्त व्यक्ति किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करवाने में सक्षम होता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों प्रेम रक्त व्यक्ति किसी भी कार्य को सुचारू यानी अच्छे रूप से करने में सक्षम होता है, मतलब वो कर सकता है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? थोड़ा सा जोर लगाइए, सोचिए और इसका उत्तर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और पढ़कर इनसे वाक्य बनाने हैं, वाक्यों का निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, शपथ, हमें
शपथ से हम वाक्य बनाएंगे, हमें देश के सम्मान के लिए शपथ लेनी चाहिए। ग भ्रष्ट, भ्रष्ट से हम वाक्य बनाएंगे, हमें भ्रष्ट लोगों को सही राह पर चलने के लिए समझाना चाहिए। हमें भ्रष्ट लोगों को सही राह पर चलने के लिए समझाना चाहिए। ग करुणा, करुणा से हम वाक्य बनाएंगे, मेरी माँ करुणा मई है। घ कठिन, कठिन से हम क्या वाक्य बनाएंगे, वेरी गुड, हमें किसी भी कार्य को कठिन नहीं समझना चाहिए। ल परिचित, परिचित से हम क्या वाक्य बनाएंगे, वेरी गुड, परिचित से हम वाक्य बनाएंगे, परिचित हो या अपरिचित व्यक्ति, परिचित या अपरिचित व्यक्ति, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, मतलब जो शब्द आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं इन शब्दों को तोड़कर आप लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क परिणाम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी गुड, परिजमाणाम परिणाम। ख दिगंबर, वेरी गुड, दिक जमा अंबर दिगंबर। क भविष्य, भविष्य का क्या होगा, वेरी गुड, भौ जमा ईश्य भविष्य। ख दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुष्कर्म। ल पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी गुड, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में कारक को रेखांकित करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन वाक्यों में जो कारक विभक्ति है, कारक शब्द है, उनको रेखांकित कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ख हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया, इसमें क्या कारक विभक्ति है, वेरी गुड, इसमें दो कारक हैं, एक ने दूसरा के। ख बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया, इसमें क्या कारक है, वेरी गुड, के, बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। ग विनय ने फीस माफी हेतु पत्र लिखा, इसमें कारक, वेरी गुड, इस वाक्य में कारक है ने। घ विकास अपने भाई की मदद कर रहा है, इसमें कारक क्या है, वेरी गुड, इसमें कारक है की। ड वरुणा दादी जी के साथ स्कूल गई, इसमें कारक है के, वेरी गुड। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, स्नेह से वंचित व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है, इस विषय पर कक्षा में संवाद कीजिए। तो बच्चों जिन व्यक्ति को स्नेह यानी प्यार नहीं मिलता, जो स्नेह से वंचित रहते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही कठोर, वो बहुत ही गुस्सैल होते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही कठोर हो जाता है। तो आप इस विषय में अपने कक्षा में अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ इसमें संवाद कीजिए और उस संवाद को अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 11, मृदुभाषी होना एक जीवन कौशल है, आप इसका अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरण करेंगे।
तो जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है वो उसके जीवन का कौशल है। आप इसको अपने जीवन में कैसे इसका अनुसरण करेंगे, कैसे इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, इसका जवाब भी अपने अपने नोटबुक्स में लिखिए। और आशा करती हूँ बच्चों आज की कक्षा में आपको मजा आया होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।